नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धुरीना ऐप लाइव क्लास में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स और चैप्टर हमारा चल रहा है डिविजिबिलिटी। कौन सा चल रहा है? रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम हम पढ़ रहे हैं शेषफल प्रमेय। डिविजिबिलिटी इससे पहले हम कर चुके हैं, तो रिमाइंडर थ्योरम की 3 क्लास हो चुकी है। इसके क्वेश्चन कर रहे थे हम, लास्ट जो क्वेश्चन था आपका होमवर्क था और कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी। तो बच्चे जो 17-18 नंबर क्वेश्चन में आप प्रॉब्लम बता रहे थे ना, वहाँ पर क्या था कि जब 71 से डिवाइड करना था तो हमारे पास 71 ऊपर बन रहा था टोटल। ठीक है, तो हमें इवन ऑड से कोई मतलब नहीं था, जब 71 ही टोटल बन रहा है तो हमने काट लिया। लेकिन जब हमें 70 से डिवाइड करना था और ऊपर 35 बन रहा हो तो 35 के साथ जब इवन मल्टीप्लाई होगा तभी 70 बन पाएगा ना। ठीक है, तो वहाँ पर हम इवन ऑड देख रहे थे। तो जो आपका लास्ट क्वेश्चन था उसमें भी मैं बता देता हूँ क्यों हम इवन ऑड देखते हैं और क्यों हम इवन ऑड नहीं देखते। तो जब हमारा नंबर पूरा कंप्लीट बन ही रहा है तो हमें इवन ऑड देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन था आपका 1 to the power 7 प्लस 2 to the power 7 प्लस 3 to the power 7 अप टू 100 to the power 7 और इसको डिवाइड करना था 202 से। तो आपको बताना था रिमाइंडर कितना होगा। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। अच्छा, आपको क्या करना था कि जी 1 की पावर 7, 2 की पावर 7, 3 की पावर 7 दे रखा है, तो ऐसे करते करते आपको 100 की पावर 7 तक। और अब ये बताना है कि जी यहाँ से आपको पता है a प्लस बी अगर देखा जाए तो a प्लस बी कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर होगा ना a प्लस बी। ए और बी अगर आप देखते हो तो पावर क्या है, ओड है, तो ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, और पावर एन अगर ओड नंबर है तो आप यही कहते हो कि जी ए प्लस बी उसका एक फैक्टर होगा। इसी तरह 2 और 99, इसी तरह 3 और 98, यानी सब क्या बनेंगे, ए प्लस बी फैक्टर बनेंगे ना। तो 101, ये भी 101 बनेगा, ये भी 101 बनेगा, यानी 50 बार तो 101 आएगा और उसके मल्टीपल में क्या आएगा, तो ऑड नंबर की पावर 7, यानी ऑड प्लस में ये इवन होगा ना, ऑड प्लस इवन, फिर इवन प्लस ऑड, फिर ऑड प्लस इवन, यानी जब भी ऑड प्लस इवन होगा तो आपका नंबर क्या आता है, ऑड प्लस इवन होगा तो आपका नंबर क्या आता है, ऑड नंबर ही आता है। तो आप कहोगे कि जी 101 गुना में ऑड नंबर होगा। ठीक है, दूसरी बार जब आएगा तो 101 गुना में कोई ऑड नंबर आएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे 101 नहीं है बच्चे, 102 है। और ऐसा कितनी बार होगा, तो ऐसा होगा जी 101 गुना में ऑड नंबर, ये 50 बार आएगा यहाँ पर। ठीक है, और जब 101 बाहर निकाल लोगे, 101 बाहर निकाल लोगे तो ये ऑड नंबर प्लस ऑड प्लस ऑड, और ऑड में जब भी ऑड नंबर जोड़ते हैं तो आता क्या, ये 50 बार लिखेंगे। तो आप कहोगे कि जी ये ऑड में ऑड जोड़ते हैं तो इवन नंबर देता है, यानी यहाँ पर जो टोटल नंबर आएगा वो नंबर कैसा होगा, वो टोटल नंबर होगा आपका इवन नंबर। और इवन की मल्टीप्लाई जब आप 101 से करोगे तो कम से कम 2 की पावर 1 तो होगी ना यहाँ पर, कम से कम 2 की पावर 1 तो होगी, और कम से कम 2 की पावर 1 होगी। इसका मतलब क्या है बच्चे, कि ये जी एक बार 2 मल्टीप्लाई होगा तो 202 बनेगा, और अगर 202 बनेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, 202 बनेगा तो 202 से पूरा भाग होगा और रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, तो जब भी हमारा नीचे पूरा नहीं बन रहा है तो हम इवन ऑड देखेंगे कि उसको मल्टीप्लाई करने पर, जैसे हमने 70 वाला केस लिया था तो वहाँ पर टोटल 35 बन रहा था, तो वहाँ पर हमें इवन ऑड देखना पड़ता है कि क्या इसके साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या कोई 2 मल्टीप्लाई होगा, तो हम वहाँ पर देखते हैं। चल तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 23, यदि ए और बी दो विषम धनात्मक पूर्णांक हैं तो निम्न में से किस पूर्णांक से a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 हमेशा विभाज्य है, ये आपको बता। हमें दिया हुआ है a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4, और ये कहा है कि जी a और b विषम संख्याएं हैं। क्या हैं, विषम संख्याएं हैं,
तो ए टू द पावर फोर माइनस बी टू द पावर फोर, इसको क्या लिख सकते हैं? आप कहोगे कि जी इसको ए स्केयर माइनस बी स्केयर लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? ए स्केयर प्लस बी स्केयर लिख सकते हैं, ठीक है, यही लिख सकते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू में ए स्केयर प्लस बी स्केयर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? तो ये लिखोगे ए माइनस बी, ए प्लस बी, और ये क्या है? ए स्केयर प्लस में बी स्केयर। अब आपको पता है कि जी ए और बी क्या हैं? ए और बी ऑड नंबर हैं, तो ये हमेशा किससे विभाज्य होंगे ये आपको बताना है। ये अगर ऑड नंबर हैं, पर बहुत बढ़िया बच्चे, अगर ये ऑड है और ऑड में से ऑड घटाते हैं तो नंबर कैसा आएगा? तो नंबर आएगा जी इवन, क्या आएगा? इवन नंबर आएगा, ठीक है। और ऑड नंबर में ऑड नंबर जोड़ते हैं तो भी नंबर क्या आएगा? नंबर इवन आएगा, ठीक है। और ऑड नंबर का स्केयर करते हैं तो ऑड नंबर आता है, और तो यहां पर दोनों ऑड नंबर आएंगे, और ऑड नंबर में ऑड नंबर जोड़ते हो तो नंबर आएगा इवन। और इवन का मतलब क्या है कि जी कम से कम दो की पावर एक यहां पर होगी, दो की पावर एक यहां पर होगी, और दो की पावर एक यहां होगी। तो कम से कम ये किससे मल्टीप्लाई होगा? तो दो की पावर तीन तो यहां पर मल्टीप्लाई हो ही रही है, तो ये आठ से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई होगा? आठ से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या कहोगे? आठ का मल्टीपल होगा, तो ये डिवाइड किससे होगा फिर? तो ये संख्या जो यहाँ से बनेगी, जो ऑड नंबर लेकर के बनेगी, ये आठ से भाग होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, क्या कहता है? तो इससे पहले आपका कंसेप्ट समझना जरूरी है बच्चे, इस क्वेश्चन को उठा दो बच्चे। अब हम समझते हैं कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव शेषफल जो आएगा उसका कंसेप्ट क्या होगा? अगर आप किसी भी नंबर को 28 को आप भाग कर रहे हो किससे? 5 से, तो यहाँ से रिमाइंडर आपको निकालने को कहा जाए, आप कहोगे जी 3 आएगा। लेकिन भाग ऐसे भी कर सकते हैं ना, गुड आफ्टरनून बच्चे विजय, गुड आफ्टरनून, 28 को भाग किया 5 से, पाँचों पाँचों 25 आपने लिखा, 3 आ गया, ठीक है। लेकिन ये भी कह सकते हो कि जी 5 से भाग किया, 5 छके 30, यहाँ पर 30 आया तो ये माइनस 2 आ गया। तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या है? यहाँ पर माइनस 2 नेगेटिव रिमाइंडर आपका हो सकता है, ठीक है। क्लास बच्चे आज लेट स्टार्ट हुई है, क्लास हुई थी 12:45 पे स्टार्ट, ठीक है। चलो अब क्या करना है आपको, कोई और एग्जांपल उठा लेते हैं। 57/9, ठीक है। तो 9 छिके कितना होता है? 54 होता है, बचेगा कितना? 3। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। और 9 साते कितना होता है? 63 होता है, तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आया? -6 आया, ठीक है। अब आप यहां से ये देख रहे हो कि जब पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर को हम जोड़ देते हैं, यानी 3+6, तो हमारा आएगा क्या? 9 आएगा, जो क्या है? डिवाइजर है, जो क्या है? भाजक है, ठीक है। तो जब नेगेटिव रिमाइंडर प्लस आप करते हो पॉजिटिव रिमाइंडर, तो आपको मिलता क्या है? डिवाइजर मिल जाता है, भाजक मिल जाता है, ठीक है। 19 और -6, 6। हाँ जी रजनी, वहां पर उसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। चलो तो यहां पर आपको डिवाइजर मिल रहा है, यानी आपके पास अगर एक रिमाइंडर हो, मैंने मान लिया कि जी आपके पास नेगेटिव वाला रिमाइंडर है, आपको पॉजिटिव वाला रिमाइंडर बताना है, तो आप क्या करो, इसको उस साइड में लेकर के चले जाओ, यानी डिवाइजर में से अगर नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव लिखना था,
नेगेटिव वाला रिमाइंडर, आपको यहाँ पर माइनस साइन नहीं उठाना, आपको सिर्फ ये नंबर उठाना है। तो नेगेटिव वाला रिमाइंडर अगर डिवाइजर में से माइनस कर दें तो हमें मिलेगा क्या, पॉजिटिव वाला रिमाइंडर। कैसे, ये तीन निकालना है तो आप नौ में से ये छः घटाओ, नौ में से छः घटा दें तो तीन मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर नहीं बच्चे, आज पहले यूट्यूब पे क्लास हुई थी और वो शायद स्टार्ट हुई थी 11:30 पर स्टार्ट हुई थी, ठीक है। वहाँ पर मैसेज डाल दिया था, नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाता होगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो। तो आपको करना क्या है, आपको नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर के कंसेप्ट को समझना है, और जहाँ पर भी हमें कैलकुलेशन आसान लगेगी वहीं पर हम क्या करेंगे, वही रिमाइंडर हम उठा लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है देखो, आज टाइम कम है क्लास का, तो थोड़ा सा डाउट जो है आपके कमेंट वाले वो हम कल की क्लास में यानी मंडे की क्लास में लेंगे, तो आज थोड़ा सा ध्यान दो इन्हीं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द रिमाइंडर 553,37,378,59 प्लस 4768 59,379। हाँ जी बच्चे, दीपक क्लास होती है वहाँ पर, HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास चल रही है, ठीक है। अब से पहले प्रीवियस ईयर की 3 से 4 क्लास हो चुकी है, आप देख सकते हो। 25 से डिवाइड करना है, आपको पता है जी 25 से डिवाइड करना है, तो डिविजिबिलिटी रूल्स में हमने पढ़ा था कि जी 25 से वो संख्या भाग होती है जिसके लास्ट वाले दो नंबर भाग हो जाए, यानी हमें रिमाइंडर भी कहाँ से मिलेगा, लास्ट वाले दो नंबरों से मिल जाएगा। अगर यहाँ पर 50 होता तो पूरा भाग होता तो शेषफल कितना बचेगा, +3, ठीक है। अगर यहाँ पर 50 होता तो पूरा भाग होता तो यहाँ पर क्या बचेगा, +9, ठीक है। अगर यहाँ पर 75 होता तो पूरा भाग हो जाता, तो 75 से कितना कम है, 7 कम है ना, तो -7 मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 75 होता तो पूरा भाग हो जाता तो हमें कितना मिलेगा रिमाइंडर, +4 मिलेगा, ठीक है। बीच में साइन किसका है भाई, बीच में साइन है आपका प्लस का, तो प्लस के साइन लगा दो। आपने कहा जी ये -7 है और ये 4 और 3 7 है, तो ये तो कट गया, तो रिमाइंडर कितना बचा, 9। क्यों, क्योंकि 9/25 करोगे तो रिमाइंडर तो 9 ही आएगा ना। अरे यार सारे डाउट आज ही पूछोगे का, क्योंकि आज कम टाइम की क्लास है, लेट क्लास स्टार्ट हुई है, तो कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलो बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, इतने दोनों चीज़ मैं बता देता हूँ। टेलीग्राम पर है मैथ्स बाय प्रदीप साहू, ये है आपका टेलीग्राम, और यूट्यूब है स्टडी विद प्रदीप सर। ठीक है, बहुत बढ़िया गायत्री। पर्ल क्लास बच्चे अभी ख़त्म नहीं हुई है, आपका रिमाइंडर थ्योरम अभी बच्चे चल रहा है, ठीक है। एडवांस में क्यों चलते हो पता नहीं तुम, लास्ट 2 डिजिट लास्ट 3 डिजिट सब चीज़ें करवाएंगे, अभी तक तो नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर तक पहुंचे हैं ना बच्चे। चलो 7 आया तो क्रॉस चेक कर लेना, 7361 प्लस में 11,829 प्लस में 1779/8। 8 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा था कि जी लास्ट के तीन नंबर अगर 8 से विभाजित तो हो जाएं तो वो पूरा नंबर भाग होता है, तो रिमाइंडर भी वहीं से मिलेगा। तीन नंबर उठाए, यहाँ से 3 उठाए, 36 तो पूरा भाग होता है, यानी 360 तक तो पूरा भाग होगा, रिमाइंडर बचेगा +1, ठीक है। यहाँ से उठाया, ये 8 तो भाग होता है यानी रिमाइंडर, अब ये दो नंबर देंगे 8 3 24, तो +5, ठीक है। यहाँ से 3 नंबर उठाओगे 72 पर जाएगा, 4 बचेगा, उसके बाद में 8 6 48 तो +1 बचेगा, ठीक है।
ये तो आप भाग तो कर ही सकते हो तीन नंबर को। चलो तो यहां से आपको टोटल कितना मिला, सात मिला। इस क्वेश्चन का निकाला क्या बच्चे? बहुत बढ़िया विजय, मैंने सोचा लास्ट वाले का आंसर कर रहे हो। यहां से कितना आया? सात, और सात बटे में आठ करते हो, जब तक ये छोटा नंबर है तो दोबारा डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, रिमाइंडर कितना रहेगा? सात ही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और वो आपका होमवर्क रहेगा। यहाँ पर क्या है बच्चे, 158 को मल्टीप्लाई करना है 68 से, गुना में 197 गुना में 819। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 158 गुना 68 गुना 197 गुना 819 डिवाइड बाय 11। इसमें आपको रिमाइंडर बताना है कितना होगा। तो बच्चे नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो हमें क्लास को यहीं विराम देना होगा, एक बज चुका है, आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। तो इस क्लास में इतना ही, आज जो कम समय मिला, नेक्स्ट क्लास में हम इससे ज़्यादा के समय से पहले ही क्लास शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, बाहर नहीं निकलना है, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ लॉकडाउन ख़त्म हुआ, ठीक है? तो बाहर नहीं निकलना है, घर में बैठ के आराम से पढ़िए, स्वस्थ रहेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।